फाइनली आफ्टर मंथ्स एज आई सेड यू, तो मैं बता दूं 1.5 करोड़ इस बंदे क्या करने जान, देखो इसको किडनैप कर लेना। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ यू इज डूइंग गुड एंड इट्स 11:13 इन द मॉर्निंग बाय नाउ। और हाउ इज योर फेट हो गया से चाय पी ली है एंड फ्रेश होके चाय इसने भी पी ली है। बस मैं सबसे लेट फ्रेश हुआ एंड अभी मैं चाय पी रहा हूं। तो आपको पता ही है नमकीन चाय काफ़ी पसंद है मुझे, तो पीता हूँ पहले चाय। डन विद द टी एंड ये लोग पता नहीं यहाँ क्या मटर कश्ती कर रहे हैं, कि मेरी बुराई कर रहे हो तुम लोग? हाँ, और ये देखो अफसोस शैतान है यार। और ये देखो यार का ढेर सारा जंक फूड आया था एंड अभी मेरे को ये मिल रहा है उसके बदले में, मतलब बस रैपर, और बाकी सब लोगों ने खा लिया और मेरे देखो क्या रखा था अपना हिस्सा रखा है, एक लेस 20 रुपए का और ये पता नहीं क्या बकवास। मतलब पूछना था ना गाने से पहले भाई आप भी खा लो, वो मैं सो रहा था तो क्या हुआ? तो हम वेट कर रहे थे चाय का, तो चाय छोड़ना, वो जंक फूड क्यों खत्म किया मेरे बिना? वो खा रहे तो भूखा में लगा, वो कहाँ गया, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओके तो हम इसी बैठे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, इसके साथ 1 बज गए और अभी हम बाहर जा रहे हैं, मामी को भी पता नहीं कुछ लाना है बाहर से। मैंने बैग उठाया, मेरा सब सामान गाड़ी में ही है ना। चल चल चार्ज उठा। और मौसम बड़ा सही हो रखा है, 24-25 का टेम्परेचर है इस टाइम पे। जल्दी आ ले जी, चाबी कहाँ है गाड़ी की? ओए नहीं नहीं यार, चाबी बैठो बैठो। ओ गाड़ी गर्म हुई है, धूप में थी ना तो सीट एकदम आग मूत रही है। ओए मोजे गर्म है ना, चले बैठ जा। Few moments later, हमें मैच बोला था हम नहीं खाएंगे अभी खाना, घर पे ही खाएंगे। बर्फी घर पे ही खाएंगे अब, घर पे कोई बात नहीं, ये भी तो अपना ही है। तो वामी मानी ने रहा क्या था, नहीं लांचा मेरे पास ही करो फिर जाओ, क्योंकि अब रात करके तो अब खाना खा के जाओ। स्कूटी निकाल रहा है, इसको कहीं काम है कुछ लाना है, जल्दी से जा फिर, जल्दी से हो गया तब तक मैं इसका देखता हूँ सर्विस स्टेशन का। मैं बोल रहा था ना सर्विस कराते गाड़ी का, देखो अंदर भी बाहर भी पूरी गंदी रखी है और ऑब्वियसली लैक का सफर था तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाला वॉशिंग स्टेशन देखा होगा आपने शायद पिछले व्लॉग्स में, वैसे मुझे तो टाइम आता नहीं है कभी गाड़ी वॉश कराने का, बहुत ही रेयर, लेकिन आया था शायद पिछले 1-2 व्लॉग्स में, इधर ही वॉशिंग कराई थी गाड़ी की जब वो स्क्रैच वगैरह भी दिखे थे तब भी, उससे पहले भी 1-2 बार। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे वॉश कराएंगे ये भी, बस जल्दी से कर देने चाहिए वॉशिंग, मुझे लग रहा है और की गाड़ी है यहाँ पे लगी हुई अभी, इसके बाद शायद हमारा ही नंबर होगा। चलो देखते हैं हालत, देखो गाड़ी की भाई साहब, जम्मू में हालत ख़राब हो जाती है गाड़ी की, और अब तो इतना रोड हो गया जम्मू का, ये तो लद्दाख है वहाँ तो इतना होना ही है। मामी आ गया है और मैं घर जा रहा हूँ, 2 मिनट मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट वेट करना। चलो हमारे बिना इसको रहा नहीं गया वहाँ पे, ठीक है अभी घर से गाड़ी लेके आऊँगा। पहले यार ये सब हटाना पड़ेगा पीछे, तब जाके गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं, उनको बोल दिया मैंने हटाने के लिए। गाड़ी में 2-3 शेड्स पड़े हैं, लद्दाख के टाइम पे मैं एक भी ले जाना भूल गया, एक शीट वॉशिंग पे डाली हुई है तो हावी पता नहीं यहीं पे था कहीं वेट कर रहा था, तो ये रहा हाविश, ये यहीं पे वेट कर रहा था क्योंकि ये बड़ा शर्माता है घर वालों से, ये किसी के घर नहीं जाता, ये इसका सीन है। इवन मेरा भी सेम ही है, मैं भी बहुत रेयरली जाऊँगा किसी के घर। तो दोनों गाड़ियाँ डाल दी हमने सर्विस स्टेशन पे धोने के लिए, ये वाली तो पहले डाली थी तो धुल रही है, इसके बाद ये वाली धुलेगी, क्योंकि और कोई गाड़ी नहीं है वो तो पहले से ही थी धुलने के लिए, वो धुल चुकी है, उसको मैं बोल के रखता हूँ कि ये भी धो के रखना, ये भी गंदी हो रखी थी इन्होंने घर पे ही थी। वामी का आप लोगों को पता ही है, इसको हमेशा जल्दी ही रहती है और भूख भी लगी है इसको, तो भी हम जा रहे हैं इसके घर। मीनवाइल अफसोस, तेरा अब घर पे कैसे मन लगेगा हमारे बिना? अब देखेंगे कुछ कर लेंगे। तुझे मजा आता है शुपिया में? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लंच इज रेडी टू ईट, तो खाते हैं हम सब पहले खाना, उसके बाद देखेंगे क्या रहेगा। क्या मर मर के खा रहा है अफसोस? मर मर के क्यों खा रहा है खाना जल्दी जल्दी? खा रहा हूँ। डन विद द मील्स एंड वामी ने पहले खत्म किया फिर मैंने, और ये अभी भी खा रहा है, कछुआ है ये। ओ जल्दी खाना अफसोस। बस क्या बस जी देख, तो ये खाओ क्या
20 minutes later. निकले अब दूल्हे की तरफ तैयार हो रहा है सुबह से यार। उठाया तूने बैग उठाया सारा सामान? चल कुछ ये रहने दे डीबी बीसी को, चल अगर कुछ भूल भी गया होगा तो बता देना, यहाँ कहीं नहीं जाएगा ठीक है। अरे नहीं रख तू मामी ऐश कर भाई, गिफ्ट मेरी तरफ से। ना ना रख ले। चलो मामी मठा, चलो चलो। ओहो अभी से मिस कर रहा हूँ अपना घर मतलब कश्मीर, क्योंकि अब दिल्ली जाऊंगा ना तो वहाँ ये सब देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ गर्मी बिल्डिंग्स ट्रैफिक एंड ऑल। हमने सोचा था इसको पानी वानी पिलाएंगे, लास्ट टाइम भी हमने एक को बचाया था ना, एक चिड़िया को। हाँ जिंदा है ना? मर गया बेचारा शायद। अच्छा अच्छा बिजली से आया है। तो लास्ट टाइम एक बार ऐसे एक था, वो ब्लॉग में भी था, वो चिड़िया थी एक, तो मामी ने उसको ऐसी पानी वानी पिलाया था तो वो बच गई थी। हमें लगा भी बच जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी डेड। एक्सयूवी धुल गई है, हाँ ये धुल गई है प्रॉपर अंदर बाहर से, अभी ये सूखने के लिए रखी हुई है। एंड आई डोंट डी का देखो आप साफ हो रही है। इस गाड़ी में सामान था लेह वाला ठीक है, वो रख दिया अपनी गाड़ी में, और कुछ भूल भी होगा वैसे ये तो अभी इधर ही अपने पास, ये वाली भी तो इसमें भी आधा घंटा लगेगा, ये इधर ही रखते रहे चले। सीर में इसको थोड़ा सा काम है, तब तक वो गाड़ी भी धुल जाएगी। 1099 डीजल, शाबाश। शुपया आपको मूड फिर से ऑफ क्यों हो गया? घर नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं लेकिन जाना पड़ेगा ना, क्या करेंगे। अफसोस शरीफ लड़का है नहीं मामी, घूमो तो ज्यादा। तो हाविश को था यहाँ, मैंने बोला था ना काम, इसको एक्चुअली इससे मिलना था आकाश से, ये जम्मू में ही मिला था मुझे, पता नहीं शायद ब्लॉग में आया था नहीं आया था, यही काम था इसको। हाविश मुझे काजीगुंड जाना है जल्दी, अभी हम वापस जा रहे हैं अनंतनाग। मैंने बोला ना मुझे काजीगुंड जाना, तो मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा एंड इसका फ्रेंड भी शायद इसी के साथ छुपियाँ जाएगा, तो तभी थोड़ी सी जल्दी है। इस गाड़ी में मेरे को बस एक चीज अच्छा लगा वो ये, इसमें से दिखता पीछे का, क्योंकि ये शीशा ऑलरेडी पता नहीं कहाँ तोड़ दिया या कहाँ रखा है। तो ये देखो गाड़ी अपनी मस्त है ना, साफ हो गई एकदम फाइनली आफ्टर मंथ्स, एज आई सेड यू कि गाड़ी वॉश हुई है। बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, लेकिन आज हम गए थे ना दूसरी गाड़ी में ऊपर, तो अच्छा चलो ये भी धुलवा देते हैं। देखो सीट कवर भी लगाने थे इसमें, खुद सोचो यार इतने महीने हो गए इस गाड़ी को सीट कवर लगाने का टाइम नहीं हो, जैसे पहले थे 1 2 3 4 उसमें हर मंथ सीट कवर चेंज होते, स्पीकर लाइटिंग वो ये, यानी इसके लिए टाइम ही नहीं मिलता। जैसे अभी निकलना पड़ेगा यार, ये गाड़ियाँ निकालनी है तो ये गाड़ी भी तभी निकलेगी। तो हाविश भी है वहाँ पे बाहर, उसको भी अब मैं गुड बाय बोल दूंगा क्योंकि उसने भी जाना होगा घर। Meanwhile तो नवी भी आ गया यहाँ पे गाड़ी धुलाने अपनी, भाई टाइम नहीं मिलता आपको भी गाड़ी धोने का, हाँ इतना बिजी यहाँ सिर्फ फोन में ही ट्रांजेक्शन एंड ऑल चलता रहता है इनका ठीक है। तो मैं बता दूं 1.5 करोड़ इस बंदे के अकाउंट में, जान देखो इसको किडनैप कर लेना। तो वो रही हमारी दो गाड़ियाँ, कितनी सही लग रही है ना, बहुत साफ सुथरी लग रही है, वरना दोनों की बुरी हालत हो गई। आप क्यों नहीं हमारे साथ ले रहे हो? गजब बेइज्जती है। बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी, साफ हो गया एंड अभी एसी भी ऑन किया, क्योंकि एक्चुअली में एसी है ना खराब हो गया, खराब नहीं एक्चुअली उसका गैस खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था उसमें क्योंकि गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा। कंफर्टेबल है अब? हाँ ठीक है ठीक है। तो हावी भी पीछे पीछे है वो देखो। 20 minutes later. और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे क्योंकि हाविश घर जा रहा है एंड उसको भी बहुत बुरा लग रहा है, नहीं जाना चाहता है ना, लेकिन जाना तो पड़ेगा ठीक है। चल फिर हाविश मिलते हैं 2-4 दिन बाद ठीक है, आना फिर से करते हैं कुछ नया। चल फिर अल्लाह हाफिज। तो ये जाएगा अभी हम हैं रेलवे पे, ये जाएगा अब यहाँ से राइट संगम से शुपियाँ एंड मुझे जाना है काजीगुंड एज आई टोल्ड यू। चलो भाई डन विद रिफ्यूल, डन विद द मील्स, डन विद रिफ्यूजी। Okay, so we are on the highway right now and we need to... गाड़ी चला के बैठो आप। 2 hours later. Okay, तो काजीगुंड से मैंने गेस्ट को रिसीव कर लिया था एंड ये देखो यार लिप्स पूरे ना जल गए उधर लद्दाख में, कसम से पूरा ड्राई हो गया यहाँ से भी स्किन,
बट अब क्या ही कर सकते हैं। ये वाली थी लास्ट गाड़ी पीछे, तो मैं उसे छोड़ा अपनी गाड़ी निकालता हूँ, ये गाड़ी निकालता हूँ। एक्चुअली ये बल्ब दो तीन घर पे खराब हो गए है। The next morning. Okay, तो कर रहा था, हमने देखा ही था, खाना वगैरह हमने खा लिया था, फिर मामी चला गया था घर। एंड ये रहा आफान, इसको तो देखा ही वो जम्मू वाले व्लॉग्स में, तो मैंने कहा था ना गेस्ट आ रहे हैं, तो ये और इसकी फैमिली आए हुए हैं। एंड विद दिस आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस वन। ड्यू टू एनी रीजन इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ लाइक एंड इफ यू आर न्यू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।